Till previous video, we have read about the problems of the writer which he was facing during his sea voyage. Let's start with the chapter. By morning on January 3rd, the pumps had water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. राइटर बता रहा है कि 3 जनवरी तक उन्होंने बोट से पानी को इतना पंप कर लिया था कि उसका लेवल इतना हो गया था अंडर कंट्रोल उनके कि वो सभी लोग जो पंपिंग कर रहे थे वन बाय वन करके दो दो घंटे के लिए रेस्ट ले सकते थे. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग. इसमें राइटर ने बताया कि उनकी नाव में अभी भी कहीं से लीक हो रहा था और जब उसने चेक किया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिप फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द नील. और उसने क्या देखा कि बोट का फ्रंट पोर्शन का जो नील का एरिया जिस जो सपोर्टर्स थे वो सारे आउटर सपोर्टर्स पूरी तरह से टूट चुके थे. There was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. कुछ लकड़ियां जो अंदर से सपोर्ट में लगी थी वही स्टारबोर्ड के सपोर्ट में थी, बाकी सब चीज बिल्कुल डैमेज हो चुका था. We had survived for 15 hours since the wave hit. और उस उन नावों के प्रहार के बाद लगभग 15 घंटों तक हम लोगों ने ये संघर्ष किया. But the walker would not hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन अब हमारी नाव वेब वॉकर में इतनी कैपेसिटी नहीं बची थी कि वो हमको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सकती. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. और हमने चार्ट्स में कैलकुलेशन के बाद पता लगाया कि कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट की ओर 2 आइसलैंड्स हैं. वन ऑफ देम एले एम्स्टरडम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. उनमें से एक आइसलैंड था एले एम्स्टरडम जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस कैंप था. आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन. पिन प्रिक्स मतलब होता है डूबते के लिए तिनके का सहारा. तो राइटर यहाँ बता रहा है कि इतने अथाह समुद्र जो था उसमें ये 2 आइसलैंड हमें तिनके के समान लग रहे थे, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी उम्मीदें थी जहां पर हम पहुंचने की आशा कर रहे थे. बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड. यहाँ पे राइटर कह रहा है कि हवा और समुद्र की लहरों का जो वेग है वो उनके अनुकूल नहीं होता है तब तक अगर वो सेल करते भी हैं, यात्रा प्रारंभ भी करते हैं आगे के लिए, तो उनके जो है वो कहीं प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे. द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. क्योंकि लहरों के प्रेशर ने हमारे मेन इंजन को बंद कर दिया था. ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द वाटर. लगातार 36 घंटों तक 4 जनवरी को बता रहा राइटर कि 36 घंटों तक लगातार पंपिंग करने के बाद में वो कुछ सेंटीमीटर ही पानी के आगे बढ़ चुके सके थे. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. और अभी भी पेस का मतलब होता है रफ्तार, मतलब रफ्तार से पानी अंदर आ रहा था. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. और मेन मास्ट के सहारे हम कोई भी यात्रा आगे नहीं कर सकते थे. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हुल अपार्ट. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइसलैंड वर.
यहाँ पे राइटर बता रहा है कि उनका मेन मास्ट पूरी तरीके से डैमेज हो रखा था और अगर उस पे और कोई प्रेशर वो डालता तो वो उनकी नाव दो टुकड़ों में बट जाती। इसलिए कह रहा है कि वो मेन मास्ट पे प्रेशर नहीं डाल सकता था, इसीलिए उसने अपनी छोटी सी स्टॉर्म रिप को ही फैलाकर उसी के सहारे आगे बढ़ने का निश्चय किया और उन दो आइसलैंड के बारे में सोचा। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रेकर बिस्किट्स एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज। मैरी ने कुछ बीफ और क्रेकर बिस्किट्स वगैरह प्राप्त किए और ये 2 दिन के बाद का हमारा खाना था, मतलब 2 दिन तक हमने कुछ भी नहीं खाया था। बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन हमारा आराम का समय बहुत कम था, रिलैक्सेशन का टाइम। At 4 PM, black clouds began building up behind us. हमारे पीछे पीछे तरफ से काले काले बादल तेजी से आ रहे थे। Within the hour, the wind was back to 40 knots and sea were getting higher. हवा की गति 40 knot हो गई थी और लहरें भी ऊंची उठने लगी थी। The weather continued to deteriorate throughout the night. अब पूरी रात मौसम हमें डिस्टर्ब करता रहा। And by dawn on January 5, our situation was again desperate. और 5 जनवरी तक हमारी कंडीशन फिर से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। When I went in to comfort the children, जब मैं अपने बच्चों को रिलैक्स करने के सांत्वना देने के लिए गया, जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं या हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने कोशिश की उसको विश्वास दिलाने की कि मैं कोशिश करूंगा। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वो मेरी बात को बिना सुने हुए वो लगातार अपनी बात कहता रहा। वो बोला, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। जो आपका चैप्टर है उसी से रिलेटेड उसने ये कॉन्फिडेंटली ये वर्ड्स अपने फादर से कहे बच्चे ने कि हमें मरने से डर नहीं लगता जब हम सभी साथ हों, जिसमें आप, मम्मी, सू मेरी बहन और मैं, जब हम फुल फैमिली एक साथ हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, अब मेरे राइटर के पास कोई शब्द नहीं थे अपने बच्चों को जवाब देने के लिए। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग, लेकिन बच्चे की इतने इस बात से राइटर को इतना ज्यादा इस बात ने राइटर को इतना ज्यादा इनकरेज किया कि उसने बिल्कुल डेढ़ संकल्प कर लिया कि किसी भी तरीके से वो समुद्र से लड़ेगा। आई हैड, मेरे पास राइटर का जो कुछ भी है उन्हीं के सहारे वो समुद्र में फाइटिंग करेगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और अपने कमजोर स्टारबोर्ड साइड को सुरक्षित करने के लिए आई डिसाइडेड टू हैव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट होल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, कि जो उसको स्टारबोर्ड को सपोर्ट करे जिससे कि जो लहरों का प्रेशर है उस पर ना आए। यूजिंग अन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बारेल्स ऑफ पैराफिन, और इस स्टारबोर्ड को सपोर्ट करने के लिए उसने क्या किया कि सी एंकर के लिए लंबी नायलॉन की रस्सी और 22 लीटर के जो प्लास्टिक के बारल्स थे जिनमें पैराफिन भरा था उनको सपोर्टर्स के रूप में उसमें बांध दिया था। दैट इवनिंग, उस शाम मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मैरी और मैं, मैरी उसकी पत्नी और वो साथ साथ हाथ पकड़े हुए बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और उस समय जो जितने ज्यादा नाव का प्रेशर बढ़ रहा था उतना ज्यादा पानी जो होल्स थे उनसे अंदर तेजी से आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हम दोनों को ये महसूस हो रहा था कि हमारा अंत पास में है। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाई द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड इजिंग, लेकिन वेब पेकर ने उसका सामना किया और जनवरी
6 जनवरी तक जब हवा थोड़ी सी कम हुई, आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द एक्सटेंट। एक्सटेंट एक मापक होता है जो आपका डायग्राम में दिखाया गया है, जिसके सहारे हम उस चीज को मापन कर सकते हैं कि जो हमारी नाव से उस समुद्र की सतह में दूसरी दृश्यगत चीज हो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है। बैक इन द चार्ट रूम में गया, आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने गति का निरीक्षण किया, हवा की गति का। चेंजेस ऑफ कोर्स, बदलाव था, ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एन एफोर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजिशन, और उसके बाद मैंने प्रयास किया कि हम अपनी पोजिशन को जान सकें। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। और कैलकुलेशन के बाद मुझे ये आइडिया लगा कि 150,000 किलोमीटर की के अथाह सागर में हम ढूंढ रहे हैं 65 किलोमीटर के एक चौड़े आइसलैंड को। व्हाइल आई वाज थिंकिंग, जब मैं ये सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, सू मेरी बेटी आ मेरे पास दर्द में कराहती हुई आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी सोलेन एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू सिल्ट, और उसका आंखें सूजी हुई थी तो आंखें बहुत थोड़ी खुल रही थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने अपने हाथों से बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेटर्स, कैरिकेटर्स मतलब होता है कार्टून बनाना किसी के रिलेटेड, ऑफ मैरी एंड मी, जिसमें विद द वर्ड्स, जिसमें मेरा और मेरी पत्नी का कार्टून की तरह चित्र बना हुआ था कुछ शब्दों के साथ। हियर आर सम फनी पीपुल, जिसमें शब्द लिखे थे कि यहाँ पे कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लव, और क्या ये आपको हंसा सकते हैं। आई लव्ड इट अ लॉट एज वेल, और मैं उस पर हंसने लगा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज था। ओ नाउ हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, इसलिए ये कार्ड है आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और हमें अच्छे की आशा करनी चाहिए। समहाउ वी हैव टू मेक इट, और हम इसे पूरा करेंगे किसी भी तरीके से।